अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के टॉपिक का नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस की हम सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कि सीक्वेंस क्या चीज़ होती है। ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन एफ ऑफ एन रिटन एज ए एन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन। ए एन इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो उस फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एन को हम एफ ऑफ एन लिखते हैं। ए एन हमारे पास जनरल टर्म कहलाता है सीक्वेंस का, या उसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। इसको हम समझेंगे मजीद आगे चल के लेक्चर में। एक क्वेश्चन की मदद से हम इसको समझ पाएंगे कि सीक्वेंस क्या चीज़ होती है। द आउटपुट ऑफ अ सीक्वेंस कैन बी रिटन एज ए वन ए टू ए थ्री एन अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन ए एन प्लस वन, वेयर ए एन इज द टर्म इन अ सीक्वेंस, ए एन माइनस वन इज द टर्म बिफोर इट एंड ए एन प्लस वन इज द टर्म आफ्टर इट। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम एक सीक्वेंस लेते हैं इवन नंबर्स की, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड अप टू सो ऑन। तो इसमें हम देखें, अगर हम ए एन टर्म्स लेते हैं 10, तो 10 हमारे पास होगी ए एन टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो हमारे पास ए एन माइनस वन उसकी पिछली टर्म होगी, मतलब कि 8 होगा। और जो 12 है वो हमारे पास ए एन प्लस वन टर्म होगी, मतलब कि जो हमारे पास एन टर्म है, एन टर्म से एक पिछली टर्म जो है ए एन माइनस वन कहलाती है, और उससे अगली टर्म हमारे पास ए एन प्लस वन कहलाती है। तो थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं क्या चीज़ है। सीक्वेंस कैन बी एदर फिनिट, देयर डोमेन आर 1, 2, 3 अप टू सो एन एन, आर इनफिनिट, देयर डोमेन आर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। मतलब कि सीक्वेंस को हम दो तरह के टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक नंबर पे हमारे पास है फिनिट सीक्वेंस, दूसरी होती है हमारे पास इनफिनिट सीक्वेंस। फिनिट सीक्वेंस कौन सी होती है जिसकी लिमिट की हद हो। फॉर एग्जांपल हम एक सीक्वेंस लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब हमारे पास लास्ट टर्म हमें पता है कि 20 है, तो फिर ऐसी सीक्वेंस हमारे पास कहलाएगी फिनिट सीक्वेंस। और इनफिनिट सीक्वेंस कौन सी होती है, इनफिनिट सीक्वेंस हम ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, हम ऑड नंबर की सीक्वेंस ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड अप टू सो ऑन। मतलब कि हमें लास्ट टर्म को पता ही ना हो कि वो कौन सी टर्म है, चलती जाए, तो ऐसी सीक्वेंस फिर हमारे पास कहलाती है इनफिनिट सीक्वेंस। तो हमारे पास फोर्थ पार्ट में हम सीक्वेंस में डिस्कस करते हैं। ए सीक्वेंस हुज इनपुट फॉर द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस इज द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस टर्म इज कॉल्ड द रिकर्सिव सीक्वेंस। मतलब रिकर्सिव सीक्वेंस की यहाँ पर डेफिनेशन बयान की गई है। रिकर्सिव सीक्वेंस कौन सी होती है, मतलब ऐसी सीक्वेंस, ऐसी अरेंजमेंट्स जिसमें अगली टर्म्स पिछली टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती हो। फॉर एग्जांपल जो जैसे ही हमने पीछे एग्जांपल लिया है, ऑड नंबर की सीक्वेंस ली है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस टर्म हमारे पास है 1, 1 में अगर 2 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। अब हमारे पास थर्ड टर्म है 5, तो हम 3 में प्रीवियस टर्म मतलब कि हमारे पास सेकंड टर्म जो 3 है, अगर उसमें 2 ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म 5 आ जाती है। तो इसी तरह से अगर प्रीवियस टर्म में अगर हम सीक्वेंस जो भी अरेंजमेंट्स हो उसमें वो चीज़ ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, या जो भी उसकी पावर बनती हो एक्सपोनेंट टाइप से, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जनरेट हो, तो फिर ऐसी सीक्वेंस कहलाती है हमारे पास रिकर्सिव सीक्वेंस। मजीद हम रिकर्सिव सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे जब हम आगे चल के कुछ इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ हम मेंशन कर देंगे कि कौन सी सीक्वेंस रिकर्सिव है, और हम वहाँ पर फिनिट और इन्फिनिट सीक्वेंस को भी देखते जाएंगे कि कौन कौन सी फिनिट सीक्वेंस है और कौन कौन सी इन्फिनिट सीक्वेंसेज है। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। पहले क्वेश्चन में हमने पहली 4 टर्म निकालनी है एक गिवन सीक्वेंस की। तो हमारे पास पहला पार्ट है ए एन बराबर है 2n-3 के। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ए एन इक्वल टू 2n-3, ये गिवन फंक्शन है सीक्वेंस का। तो यहाँ पर हमें 4 टर्म निकालनी है, मतलब a1, a2, a3, a4 निकालना है, जिसके लिए हमें n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1, 2, 3, 4। टू फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, पुट n इक्वल टू 1। अगर n की जगह हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है, यहाँ पर देखें n की जगह 1 आ गया तो a1 हो गया। n की जगह 1 पुट करें 2 × 1-3, तो 2-3 इक्वल टू आ जाएगा -1 के। अगर इसकी जगह n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा n इक्वल टू 2 a2 इक्वल टू 2 × 2-3,
तो हमारे पास क्या आंसर बन गया जी, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अगर एन की जगह 3 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, हमारे पास आ जाता है जी एन की जगह 3 पुट किया, देखिए हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस का फंक्शन है तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 3 बनता है, क्योंकि 2 3 6 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। अगर हम एन की जगह 4 पुट करें तो हमारे पास आता है 2 इंटू 4 माइनस 3 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 हो गया। इसी तरह से हमारे पास देखें a1 a2 a3 a4, हमारे पास पहले 4 टर्म्स आ गए, -1 1 3 5। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास दूसरा पार्ट क्या है जी, दूसरा पार्ट हमारे पास है an = -1 की पावर n n² के। तो यहाँ पर भी हमने पहली 4 टर्म्स निकालनी है, मतलब a1 a2 a3 a4 निकालना है, तो n की जगह हमें 1 2 3 4 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें, अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, a1 = -1 की पावर 1 1 की पावर 2। तो यहाँ पर देखें -1 की पावर 1 1, हमारे पास ये पावर जो है ऑड नंबर है, और नंबर जब होता है और अंदर माइनस में हो तो आंसर माइनस में ही आता है, तो -1 × -1 = -1 हो जाता है। इस तरह से एन की जगह 2 पुट करें, देखिए एन यहाँ पर -1 की पावर 2 2, एक इवन नंबर है, तो इसलिए -1 की पावर 2 जो है वो 1 बन जाएगा और 2 की पावर 2 4 हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, 4। तो पुट n = 3, अगर एन की जगह हम 3 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है भाई, -9 आ गया। और एन की जगह अगर हम 4 पुट करें गिवन फंक्शन में तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी -1 की पावर 4 और 4 की पावर 2 = 16। ये लें जी हमारे पास आ गया a1 a2 a3 and a4। तो ये हमारे पास पहली 4 टर्म्स आ गई। तो देखिए जी, अगर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, अगर सिर्फ 4 टर्म्स ही होती हैं तो फिर हम इसको फिनिट सीक्वेंस कहते हैं। तो यस, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं, तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है जी, an = -1 की पावर n (2n-3)। यहाँ पर भी हमने सिमिलरली n की जगह 1 2 3 4 पुट करना है, क्योंकि हमें पहली 4 टर्म्स निकालनी है। n की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है भाई, हमारे पास आ जाता है जी -1 की पावर 1 (2n-3)। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 2 × 1 2 हो गया, -3 2 - 3 -1 हो गया, और -1 की पावर 1 -1 हुआ, -1 × -1 + 1 हो गया। n की जगह 2 पुट करते हैं, देखिए इसी तरह से, तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर 1 बनेगा। सिमिलरली अगर n की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास -1 की पावर 3 (2n-3)-3, तो 2 3 6 6 - 3 3, और यहाँ पर -1 की पावर 3 3, देखें यहाँ पर ऑड नंबर है तो इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा, तो ये -3 हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास n की जगह 4 पुट करें, हमारे पास क्या आंसर आता है जी, -1 की पावर 4 (2n-4)-3, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 5। इसको कैलकुलेट करके देखें, 2 4 8 8 - 3 5 हो गया, और -1 की पावर 4 4, चूँकि इवन नंबर है तो इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव में हो जाएगा। तो सो हमारे पास पहली 4 टर्म्स कौन सी बनी इस सीक्वेंस की, a1 a2 a3 a4 1 1 - 3 and 5। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ पार्ट में देखते हैं, पहली 4 टर्म्स निकालनी है, तो यहाँ पर भी n की जगह 4 वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि 1 2 3 4 पुट करेंगे, यहाँ पर n की जगह 1 पुट करके देखें तो हमारे पास आंसर आता है 3 × 1 - 5, तो -2 हो गया। n की जगह 2 पुट करते हैं तो हमारे पास बनता है 3 × 2 - 5 = 1। अगर n की जगह 3 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, 4। अगर 4 पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 × 4 - 5 7 आ गया। तो इसी तरह से हमने पहली 4 टर्म हमने इस सीक्वेंस की भी निकाल ली। इसी तरह से हमारे पास पांचवा पार्ट देख लें, पांचवा पार्ट में भी हम सेम एज इट n की जगह 1 2 3 4 पुट करेंगे, तो n की जगह अगर 1 पुट करते तो हमारे पास क्या आता है जी, a1 = 1/2 × 1 + 1, तो हमारे पास क्या बन गया जी, 1/2 + 1 3 1/3 हमारे पास पहली टर्म आ गई। तो सिमिलरली अगर n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है जी, 2/2 × 2 + 1 2/5 हो गया। n की जगह 3 पुट करने से 3/7 हो जाएगा, 4 पुट करने से फिर 4/9 आ जाएगा। इस तरह से हमने पहली 4 टर्म निकाल ली। तो पहली हमारे पास क्या बनी, 1/3, और उसके बाद हमारे पास दूसरी टर्म 2/5, अगली टर्म हमारे पास 3/7, और अगली टर्म 4/9 बनी। तो सिमिलरली अगर नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, तो an = 1/2 की पावर n है, तो इसमें भी 4 टर्म निकालनी है, तो n की जगह 1 2 3 4 पुट करेंगे। n की जगह 1 पुट करने से, 2 पुट करने से, 3 और 4 पुट करने से देखें बिलतरतीब हमारे पास कौन सी टर्म निकलती हैं, 1/2 1/4 1/8 1/16। चलें जी, इस सीक्वेंस की हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई, फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई जी। इसके बाद हमारे पास देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, तो हमारे पास क्या आता है जी, 7 में देखें, an - an-1 = n+2, वेयर a1 = 2, मतलब कि हमारे पास सीक्वेंस का फंक्शन जो है इस तरह से गिवन है, an = an-1 = n+2, और यहाँ पर पहली टर्म दी गई है, हमें 4 टर्म निकालनी है। अब पहली टर्म तो हमें पता है,
और पहली टर्म्स हमें पता है, तो अब हम क्या करते हैं जी, अब तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हम अगली तीन टर्म निकालनी होगी, A2 A3 A4 निकालनी होगी, क्योंकि हमें चार टर्म्स निकालनी है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर ये बात देख लें, अगर हम इसको गौर करें थोड़ा सा, तो हमें हमने लास्ट अब शुरू में हमने बात पढ़ी थी रिकर्सिव सीक्वेंस की। तो रिकर्सिव सीक्वेंस की बात करें तो हमारे पास ऐसी सीक्वेंस जिसमें अगली टर्म पिछली टर्म से जनरेट हो, तो उसे हम कहते थे रिकर्सिव सीक्वेंस। तो यहाँ पर देख लें सिमिलरली, अब ए टू जो है एन की जगह जब हम टू पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखें ए टू माइनस वन मतलब कि ए वन हो जाएगा, तो ए वन उधर जाके जमा की हो जाएगी, तो हम ए टू बराबर हो जाएगा 4+A1 के। अब देखें नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से जनरेट हो रही है, तो इसलिए हम इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, रिकर्सिव सीक्वेंस कहते हैं। हमने पहले कहा था कि हम रिकर्सिव सीक्वेंस को मजीद समझने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो लें जी हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है रिकर्सिव सीक्वेंस का, तो ये जी हमारे पास दूसरी टर्म्स आ गई। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं जी, इसी तरह से हम एन की जगह 3 पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है A3 - A2 = 3+2। तो हमारे पास A2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3+2 तो 5 ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आता है जी, A2 का आंसर कितना है जी हमारे पास, A2 हमने निकाला 6। यहाँ पर A2 की जगह 6 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 11। और इसके बाद हम N की जगह 4 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है जी, A4 - A3 = 4+2। जी हमारे पास क्योंकि सीक्वेंस का ये फंक्शन की बात है ना, उसके हिसाब से तो A3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2+4 तो 6 ही हो गया। A3 का आंसर कितना है हमारे पास जी, 11। 11 पुट करके देखा 17 आंसर आ गया, एंड फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज 2, 6, 11 एंड 17 आ गया। इसी तरह से हम देखते हैं जी हमारे पास है An = NaN - 1 वियर A1 = 1। देखिए एक और सीक्वेंस हमारे पास आई है, रिकर्सिव सीक्वेंस आई है, सीक्वेंस की टाइप्स आई है रिकर्सिव सीक्वेंस, यानी कि हमारे पास An जो है देखिए प्रीवियस टर्म से जनरेट होती जा रही है। जिस तरह से देखें जी फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है, पहली टर्म तो गिवन है, तो इसलिए हम एन की जगह 2, 3, 4 पुट करेंगे। अगर हम एन की जगह 2 पुट करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है जी, A2 = 2 * A2 - 1 मतलब कि A1 हो गया। तो ये हमारे A1 कितना हमारे पास जी, 1। यहाँ A1 की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 2 हो जाता है। इस तरह से एन की जगह जब हम 3 पुट करते हैं तो हमारे पास 6 आंसर यानी कि A2 हो जाता है यहाँ पर। तो A2 का आंसर कितना निकाला हमने, 2 निकाला, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 3 * 2 = 6 हो गया। एन की जगह 4 पुट करते हैं तो हमारे पास 4A3 हो जाएगा, A4। तो इसी तरह से A3 कितना हमारे पास जी, 6 है, तो 4 6 = 24 हो गया। एंड फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर 1, 2, 6 एंड 24 है। इसी तरह से देखें जी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास रिकर्सिव सीक्वेंस का है, तो इसमें भी सेम इज इट, हम एन की जगह 2, 3, 4 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास पहली टर्म तो गिवन ही है जी। एन की जगह 2 पुट करें और यहाँ पर देखें हमारे पास A2 - 1 A1 हो जाएगा, A1 कितना है, 1 पुट करके देख ले, A1 1 है तो A2 हमारे पास 3 आ गया। एन की जगह 3 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है A3 = 4A2, A2 कितना हमारे पास जी, 3 पुट करते हैं तो हमारे पास 12 आंसर हो गया। एन की जगह 4 पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा A4 = 5A3। A3 का आंसर भाई क्या है जी, हमारे पास A3 का आंसर आया है 12, तो 12 पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा हमारे पास भाई, 60 हो जाएगा। चलें जी A1 हमारे पास क्या है भाई, 1। A2 कितना हमारे पास, A2 है भाई हमारे पास 3, और A3 कितना है जी हमारे पास 12, और A4 कितना हमारे पास 60। तो हमारे पास ये पहली चार टर्म्स आ गई हमारे पास गिवन रिकर्सिव सीक्वेंस की। चलें जी इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं जी क्या है, सेम इज नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास आ रहा है An = 1/A + N - 1d। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले चार टर्म निकालनी है क्योंकि ये रिकर्सिव सीक्वेंस टाइप नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एन की जगह 1, 2, 3, 4 पुट करते हैं क्योंकि A1 तो गिवन ही नहीं है। तो इसी तरह से हम एन की जगह 1 पुट करते हैं, अभी हमारे पास आंसर क्या आता है जी, एन की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा 1/A + 1 - 1 * d। 1 - 1 0 हो गया, अभी 0 × something 0 हो जाता है, 1/A आंसर आ गया। एन की जगह 2 पुट करते हैं तो भाई हमारे पास हो गया 1/A + 2, और एन की जगह A + d, एन की जगह 3 पुट करते हैं तो भाई हमारे पास आ जाएगा 1/A + 2d। इसी तरह से एन की जगह 4 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/A + 3d। हैंस फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 1/A, 1/A + d, 1/A + 2d, 1/A + 3d। मतलब इस गिवन सीक्वेंस की जो एन टर्म है, इससे हमने पहली चार टर्म्स इसकी फाइंड आउट कर ली है। चलें जी ये इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसमें उसने कहा फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। मतलब हमारे पास सीक्वेंस गिवन है और उसकी टर्म्स गिवन है A7 तक। मतलब इंडिकेटेड का मतलब क्या हुआ कि देखिए 2, 6, 11, 17 नंबर ऑफ फोर टर्म्स बनती है, हमने A7 मतलब जो टर्म्स मिसिंग है वो हमने निकालनी है, A5 A6 A7 मतलब A5 A6 A7 कौन सी टर्म्स कहलाएंगी, इंडिकेटेड टर्म्स
सीक्वेंस कहलाएंगी जो हमने निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फंक्शन नहीं गिवन सीक्वेंस का, तो इसलिए हम क्या करते हैं जी, हम पहले नंबर पे इसके कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं। अरेंजमेंट से हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट सीक्वेंस क्या बनती है, नेक्स्ट टर्म्स क्या बनती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास A2 A1 हो गया, 6 A2 हो गया, और हमारे पास A3 11 और A4 हमारे पास 17 हो गया। यहाँ पर A1 = 2। अब देखते हैं कि A2 कैसे होता है। हम देख रहे हैं कि रिकर्सिव सीक्वेंस बन रही है। किस तरह से कि भाई प्रीवियस में अगर 4 ऐड करते हैं तो 6 आता है, और A3 निकालना चाहते हैं तो प्रीवियस टर्म में 5 ऐड करते हैं तो 11 आ जाता है, और A4 निकालते हैं तो प्रीवियस टर्म में 6 ऐड करते हैं 17 आ जाता है। तो इसी तरह से हमें देखिए एक तरतीब नज़र आ गई कि प्रीवियस टर्म में 4 5 6, मतलब अगली टर्म कैसे बनेगी, 17 में एक नेक्स्ट नंबर यानी कि 6 के बाद क्या आता है 7 17 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह से देखें प्रीवियस टर्म हमें देखें अरेंजमेंट्स मिल गए, किस तरह करना है कि प्रीवियस टर्म में एक नंबर बढ़ा के ऐड करते जाना है, तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट टर्म जनरेट होती जाएगी। इसी तरह से हमारे पास जी A6 आ गया, इस तरह से A7 निकालते हैं तो प्रीवियस टर्म में हम 8 के बाद क्या आता है जी 9 आता है, तो इसलिए प्रीवियस टर्म में 9 ऐड किया तो 41 आ गया। तो इस तरह से हमने भाई रिक्वायर्ड टर्म्स हमने निकाल ली, इज A7 41, मतलब कि हमारे पास A1 A2 A3 4 A5 A6 A7 हमने निकाल लिया। अच्छा इसी तरह से हमारे पास क्या आ गया जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशन है हमारे पास सीक्वेंसर का 1 3 12 60 and up to 7 A6 है जी हमारे पास। देखिए चार टर्म्स दी गई हैं, अगली हमें सिर्फ दो टर्म्स निकालनी है, A5 निकालना है और A6 निकालना है। तो A1 क्या 1 हुआ, A2 3 हुआ, A12 हमारे पास 3 हुआ, A3 हुआ और 60 हमारे पास A4 हुआ। तो नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं कि A5 कैसे निकालना है, इसके अरेंजमेंट देखते हैं। देखें जी A2 हमारे पास है 3, तो मतलब कि हम 1 × 3 प्रीवियस टर्म के साथ हम क्या कर रहे हैं कि 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 बना। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं तो प्रीवियस टर्म के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं, और उसे नेक्स्ट टर्म में देखते हैं तो हमारे पास क्या है जी प्रीवियस टर्म के साथ 5 मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पिछली सीक्वेंस में हमने ऐड करके हमें अरेंजमेंट मिली थी, और यहाँ पर देखें तो हमारे पास प्रीवियस टर्म में मल्टीप्लाई करके हमें नेक्स्ट टर्म जनरेट किया हमने। तो इस तरह से हमारे पास A5 निकालना चाहते हैं तो हमारे पास प्रीवियस टर्म में नेक्स्ट 5 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है जी 6 आता है। प्रीवियस टर्म के साथ 6 को मल्टीप्लाई किया 360 आया। इस तरह से प्रीवियस टर्म के साथ 6 से नेक्स्ट नंबर किया 7 मल्टीप्लाई किया तो 2520 आंसर बन गया हमारे पास। इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ गई, A5 भी आ गया और A6 भी आ गया। तो इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं थर्ड पार्ट में देखते हैं जी। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है जी 1 3/2 5/4 7/8 and A7 तक हमने टर्म्स निकालनी है जी। हमारे पास पहली चार टर्म्स गिवन है तो A5 A6 A7 निकालना है। पहली टर्म देखिए क्या है A1 = 1। अब देखते हैं कि A2 कैसे बनता है। हम देख रहे हैं कि नोमिनेटर में 2 ऐड करने से और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास आंसर बनता है 3/2, मतलब नेक्स्ट टर्म बन जाती है, प्रीवियस टर्म से जनरेट हो जाती है। देखिए रिकर्सिव सीक्वेंस की एक एग्जांपल है ये भी, तो यहाँ पर देखें A2 क्या बना है अभी हमारे पास 1 + 2/1 × 3/2। देख लेते हैं कि यही अरेंजमेंट कामयाब होती है या नहीं होती। देखें एन की जगह जब 3 पुट करते हैं यानी कि A3 निकालना चाहते हैं, एन तो नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हमें देखने में मिल रहा है कि प्रीवियस टर्म में नोमिनेटर यानी कि शुमार कुनिंदा में हम क्या कर रहे हैं, हमें 2 ऐड करना पड़ रहा है और डिनोमिनेटर मतलब के मखरज में हमें क्या करना पड़ रहा है, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है प्रीवियस टर्म के मखरज के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या बना 5/4 हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रीवियस टर्म के नोमिनेटर में हमने 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आ गई, ये इक्वल का साइन है। वो शायद सी दैट इन अ नोमिनेटर सक्सेसिव डिफरेंस इज 2 एंड डिनोमिनेटर सक्सेसिव मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, मतलब यही है कि हमारे पास इस तरह की अरेंजमेंट है। ये सीक्वेंस जो है नोमिनेटर में नेक्स्ट टर्म का 2 का डिफरेंस है नेक्स्ट और प्रीवियस टर्म का, और डिनोमिनेटर में जो है वो 2 का वो फैक्टर मतलब 2 का मल्टीपल बनता है। तो यस इस तरह से हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट टर्म निकालना चाहते हैं तो प्रीवियस टर्म्स के नोमिनेटर में 2 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर 2 से मल्टीपल कर देंगे क्योंकि वो फैक्टर बनता है 2 का डिनोमिनेटर। इसी तरह से A6 लेते हैं भाई, तो प्रीवियस टर्म के नोमिनेटर में 2 ऐड और डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से A7 निकालते हैं, प्रीवियस टर्म के नोमिनेटर में 2 ऐड और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास A7 मतलब हमने इंडिकेटर टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट देखें जी 1 1 -3 5 -7 2 8 तक हमने टर्म्स निकालनी है। तो ये देखें पहली 5 टर्म्स गिवन है तो हमें A6 A7 A8 चाहिए। A1 देखें 1 है तो A2 देखें हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है 1 + 2 × 0 = 1। किस तरह से देखें, अब पहले ये वाली चीज़ हमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है कि हम कैसे निकालें, हम वैसे भी तो इसको लिख सकते थे। तो देखें A3 निकालते हैं तो देखते प्रीवियस टर्म के साथ क्या करना पड़ता है 2 × -2 करना पड़ता है तो -3
इस तरह से A4 देखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ये करना पड़ता है कि टू, ये देखें नंबर क्या हो रहा है कि 2, 4, 6 इवन नंबर है, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स हैं वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं इवन नंबर्स को, और जब नंबर ऑफ ऑड टर्म्स हैं उनको माइनस के साथ, और इवन जो है उनको इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट इवन नंबर जो होगा लेकिन वो प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आंसर क्या बन गया जी, ये बन गया 1 - 3 - 5 - 7, यानी कि हमें -7 हमें अरेंजमेंट्स मिल गई है। एक तो तरीका ये है, इस तरह से हम A6, A7, A8 निकाल लेते हैं। देखें जी जैसा कि आगे हमारे पास यस, तो हम देखते हैं जी जी, तो यहाँ पर देखें हमारे पास यस कुछ यहाँ पर फॉल्ट आता है यस, यहाँ पर देखें A6 क्या है हमारे पास, देखें जी प्रीवियस टर्म -7 है, प्रीवियस टर्म में 2 + 8, प्रीवियस हमारे पास नंबर था 6, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया, ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इस तरह से देखें A7 क्या है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या बनता है जी, हम नेक्स्ट इवन नंबर क्या बनता है जी 10, लेकिन यहाँ पर ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसलिए हम -10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर -11 आ गया। इसी तरह से 8 का आंसर निकालते हैं तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ गए। इसमें एक और अरेंजमेंट्स भी है, अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये 2 का डिफरेंस आ रहा था, मतलब अगर हम पीछे जाएँ यहाँ पर देखें किस तरह से बनता है हमारे पास, हमारे पास इस तरह से बनता है जी, यहाँ पर देखें ये 1, 1 - 3, 5, यानी कि 2-2 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन क्या है एक के साथ माइनस आया, अगले के साथ प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, तो हम वैसे भी देखें MCQ टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है तो हम निकाल सकते हैं कि -7 के बाद 9 आ जाएगा, फिर -11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, -15 आ जाएगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये भी तरीका ठीक है, इस तरह से भी अरेंजमेंट सेट हो सकती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं तो हमारे पास 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 एंड अप टू 8 तक आता है हमारे पास। यहाँ पर देखें जी हमारे पास A1 आ गया, A2 - 3, यानी कि ये तो हमारे पास मस्ट है ना, A1, A2, A3, A4, A5, A6 तक लिख लिया। अब देखते हैं कि ये कैसे जनरेट होती हैं, तो A1, A2 आ गया, अब देखें A3 कैसे आता है कि इस तरह से आता है कि हम ये देखें पहली टर्म जो है, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, देखिए पहले था एक टर्म उसे, अब इसमें क्या है प्रीवियस से प्रीवियस टर्म के साथ हम जनरेट कर रहे हैं कि 1 में 4 ऐड करते हैं 5 आ जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या आता है जी प्रीवियस टर्म, यानी कि अब सेकंड 4 निकालने के लिए सेकंड टर्म, मतलब कि इवन टर्म से जनरेट हो रही है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स जो है मतलब कि हमारे पास क्या आता है इवन से जनरेट हो रही है, और ऑड टर्म्स जो है ऑड टर्म्स से जनरेट हो रही है। तो इसी तरह A3 क्या है ऑड टर्म्स, यानी कि A1 से देखें 4 ऐड करने से 5 मिलता है, इस तरह से A5 देखें तो क्या है, अब हम यहाँ अगर 1 के बाद क्या आता है जी हमारे पास ये प्रीवियस टर्म्स क्या है ये 3, 5 + 4 ऐड करने से 9 बनता है। A6 देखें क्या आता है हमारे पास, ये देखें -4 तो वैसे सेम आ रहा है लेकिन यहाँ पर इवन टर्म्स कौन सी बनती है लास्ट -7 बनता है, -7 + -4 - 11 आंसर आ गया। तो इसका कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑड टर्म्स इज ऑफ 4 एंड इवन टर्म्स इज ऑफ -4, मतलब कि जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है उनके दरमियान डिफरेंस कितना है, देखें ये देखें हमारे पास 1 और 5 है, ये देखें पहली पाँचवीं और ये देखें पहली तीसरी और पाँचवीं टर्म्स जो है पॉजिटिव की, मतलब कि ऑड टर्म्स पॉजिटिव हैं और जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो माइनस हैं। तो इस तरह से देखें हमारे पास क्या जी 1 और 5 के दरमियान 4 का डिफरेंस है, मतलब 5 में से 1 माइनस करें, 9 में से 5 माइनस करें 4 आता है, मतलब कि 8 टर्म्स के में डिफरेंस जो है +4 है, और 2 टर्म्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है, तो इवन टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस -4 है। तो इसी तरह से जी हमारे पास देखें ये चीज़ हमें मिल गई है, A7 क्या है हमारे पास ऑड टर्म्स है। तो अब ऑड टर्म्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, अब हमारे पास यहाँ पर देखें प्रीवियस टर्म्स हमारे पास ऑड टर्म्स कौन सी है A5 है 9, अब 9 में हम क्या करेंगे +4 करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल का साइन नहीं है प्लस का साइन है 13 हो जाएगा। इस तरह से A8 देखते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, लास्ट इवन टर्म्स कौन सी है -11, अब इसमें -4 ऐड करते हैं तो -15 आ गया, इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस 7, 9, 12, 16। अब प्रीवियस क्वेश्चन में तो उसने इंडिकेटर टर्म्स कहा था, मतलब कि जितनी भी रिक्वायर्ड टर्म्स थी वो हमने सारी निकाली, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि नेक्स्ट सिर्फ 2 टर्म्स निकालनी है, तो 2 टर्म्स को देखते हैं कैसे हमारे पास जी, पहला पार्ट है 7, 9, 12, 16, मतलब पहली 4 टर्म्स गिवन है, अब नेक्स्ट टर्म्स A5 और A6 निकालनी है। सिमिलरली सेम वही क्वेश्चन है, बस बात को थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है कि यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स निकालनी है, A1 7 आ गया, A2 हमारे पास देखते हैं ये टर्म्स लिखे हैं तो देखिए कैसे हो रहा है कि प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करने से
प्रीवियस में दो ऐड करने से, फिर अगली में थ्री ऐड करने से, अगली टर्म में फोर ऐड करने से, फिर हम सर हमें आइडिया हो गया कि अब नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, कि फोर का डिफरेंस, फिर अगली टर्म में क्या बनेगा, प्रीवियस टर्म में फाइव का डिफरेंस बन जाएगा। यस, देखिए इसी तरह से ए टू निकाला, प्रीवियस टर्म में टू ऐड, फिर अगली नेक्स्ट टर्म निकाली तो प्रीवियस टर्म में थ्री ऐड किया, फिर ए फोर निकाला प्रीवियस टर्म में फोर ऐड किया, इस तरह से फिर नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं, प्रीवियस टर्म 16 है तो उसमें 5 ऐड किया तो 21 आ गया। इसी तरह से हमारे पास प्रीवियस टर्म 21 है तो उसमें 6 ऐड करने के बाद 27 मिल जाता है। इस तरह से हमने नेक्स्ट टू टर्म निकाली इस गिवन सीक्वेंस की। इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट भाई क्या है, 1, 3, 7, 15 एंड 31। यस, तो ये हमारे पास पांच टर्म्स गिवन है, नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है। ए वन है, देख लें यहाँ पर भी हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर दो का डिफरेंस है, अगले में फोर का, अगले में एट का, उससे अगले में 16 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल का रोल लग रहा है तो ये रिकर्सिव सीक्वेंस ही। ए वन इज इक्वल टू वन है, ए टू देखते हैं इक्वल टू वन प्लस वन इंटू टू, ठीक है जी। अब देखिए ये थ्री प्रीवियस टर्म दो का मल्टीपल, ठीक है, वन टू के साथ मल्टीपल हो गया। ए थ्री निकालते हैं तो क्या होता है, प्रीवियस टर्म प्लस यहाँ पर देखें टू का मल्टीपल, हम क्या करें यहाँ पर वन मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर टू मल्टीप्लाई किया, सेवन यहाँ पर सेवन बन गया। आगे देखते हैं तो सेवन प्लस फोर इंटू टू, यानी कि यहाँ पर देखें टू का मल्टीपल बन रहा है, ये वन टू फिर फोर, फिर अगले में क्या आता है हमारे पास जी 16 हो जाएगा। तो क्योंकि हमें आइडिया हो गया है, अरेंजमेंट्स पता चल गया है, यहाँ पर देखें द मल्टीप्लाई फैक्टर इन सक्सेसिव टर्म्स आर 1, 2 × 2 × 2, 4 × 2 एंड 8 × 2 एंड 16 × 2। यस, देख लें इसी तरह से 15 प्लस प्रीवियस टर्म में 8 का मल्टीपल बन गया, 2 ऐड किया 31 हो गया। इसी तरह से ये 8 से 16 हो गया, फिर नेक्स्ट में देखें 32 हो गया, दो गुना हो गया। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स आ गए। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस में देखिए माइनस 1, 2, 12 एंड 40 है। तो यहाँ पर देखें ए वन कैसे लिखते हैं हम, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर हैं ये। ए वन हमारे पास 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई माइनस वन, मतलब यहाँ पर रिकर्सिव सीक्वेंस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, मतलब कि नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लिकेशन बनता है किसी फैक्टर का और नेक्स्ट टर्म जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से देखिए 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई माइनस वन, तो हमारे पास माइनस वन। अब देखिए हमारे पास क्या, ए टू क्या है, प्रीवियस टर्म्स देखते हैं हमारे पास, देखिए प्रीवियस टर्म के साथ तो खैर नहीं बना ये। अब यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब देखिए 2 की पावर इंक्रीज हो रही है, यानी कि पिछले में 1 है, यहाँ पर 2 बनता है तो यहाँ 12 बन जाता है। इस तरह से ये, अब देखिए आइडिया हो गया कि दो यहाँ पर देखें 1 की पावर ऐड हो रही है और यहाँ पर जो मल्टीपल हो रहा है वो ऑड नंबर हो रहा है। तो हमें देख सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, इसी तरह से देखें ये, और इसी तरह से फिर 4 के बाद यहाँ पावर 5 हो जाएगी और 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है, 9 आता है, तो ये 288 हो गया। यस, नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 112 एंड 288 हो गया। यस भाई, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं क्या हमारे पास 1 - 3, 5 - 7 - 11। अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हम इसको इस तरह से सॉल्व ना भी करना चाहें। हमें यहाँ पर भी सेम चीज़ नज़र आ रही है कि जो आठ टर्म्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो 4 का है, प्लस 4 का है, और इवन टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो माइनस 4 का है। तो प्रीवियस टर्म क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व हम कर सकते हैं, इस तरह भी सॉल्व करना चाहें तो हमारी मर्जी है। तो अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो देख लें, माइनस 1 की पावर बन रहा है 0 मल्टीप्लाई 1। देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास फिर आगे 1 आ गया, पावर 1 इंक्रीज हो गई है, अच्छा माइनस 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, माइनस 1 की पावर यहाँ पर देखिए 1 इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास आठ नंबर का मल्टीपल बनता जा रहा है। तो इस तरह से देखिए हमारे पास अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में क्या बन जाएगा, 5 की जगह 6 आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा, फिर उसके आगे 7, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 आंसर आ गया। तो नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 13 एंड माइनस 5।